हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से पहले रिपोर्ट फिर वोट मुहिम की शुरुआत की गई है और इस मुहिम के तहत कांग्रेस लोगों से व्हाट्सएप और ऐप के जरिए जो है संपर्क किया जाएगा। गुरुग्राम से इस मुहिम की शुरुआत की गई है और इस मुहिम की शुरुआत के मौके पर कुमारी सैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई समेत कई नेता शामिल थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि आज हर व्यक्ति हर क्षेत्र में परेशान है। में मुद्दे और थे और विधानसभा के मुद्दे और हैं। आज जो हमारे सामने मुद्दे हैं लोगों के सामने, वो इस सरकार की परफॉर्मेंस, इस सरकार के वायदे हैं, जैसा सारी चर्चा हुई है। और ये सरकार विफल सरकार है और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। तो कांग्रेस मजबूती से बीजेपी को जवाब देगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में ही बैठक हुई थी जिसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम जो नेता हैं कुलदीप बिश्नोई वो भी यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए थे कि कांग्रेस मजबूती से आने वाले चुनावों में बीजेपी को जवाब देगी।